हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं हैविंग टू का यूज़ और आज हम इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो देखते हैं इसके रूल को और समझते हैं इसके सेंटेंस को। इसका जो रूल होगा, पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हैविंग टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह हम सेंटेंस को पहचानेंगे। तो देखते हैं इसकी पहचान। किसी भी हिंदी वाक्य में लास्ट का जो साउंड होगा वो होगा पढ़ रहा है, पढ़ रहे हैं या पढ़ रही है। जैसे उसे खेलना पड़ रहा है, उसको बुलाना पड़ रहा है, मुझे उठना पड़ रहा है, उन्हें सोना पड़ रहा है, उसको आज काम करना पड़ रहा है। तो कुछ ऐसे सेंटेंस। देखते हैं इसके एग्जाम्पल को और समझते हैं कुछ सेंटेंस को और कॉन्सेप्ट को। राम को आज बैंक जाना पड़ रहा है, लास्ट का साउंड है पढ़ रहा है, मतलब जुड़ा है, मतलब जुड़ा है जाने से। राम मतलब राम। अब हम यूज़ करेंगे राम के साथ हेल्पिंग वर्ब जो कि इज़। जाएंगे पीछे की तरफ, जाना पड़ रहा है जो कि जुड़ा है जाने से। हैविंग टू गो कहाँ पे? बैंक। आज मतलब टुडे। मुझे आज रेलवे स्टेशन से आना पड़ रहा है जो कि लास्ट का साउंड है, पढ़ रहा है जो कि लास्ट का एक साउंड है। मुझे मतलब आई। अब आई के साथ हम यूज़ करेंगे एम। जाएंगे पीछे की तरफ, पढ़ रहा है हैविंग टू जो कि जुड़ा है आने से, आने का मतलब कम जो कि हमारा फर्स्ट फॉर्म है। से मतलब फ्रॉम, रेलवे स्टेशन से मतलब रेलवे स्टेशन, आज मतलब टुडे। हमें बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना पड़ रहा है, लास्ट का जो साउंड है पढ़ रहा है मतलब हैविंग टू यूज़ करेंगे इसमें हम। हमें मतलब वी, जिसके साथ हम यूज़ करेंगे आर। जाएंगे पीछे की तरफ, पढ़ाना पड़ रहा है, पढ़ रहा है मतलब हैविंग टू, पढ़ाना मतलब टीच, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन, बच्चों को टू चिल्ड्रन। उन्हें एग्ज़ाम के लिए उदयपुर जाना पढ़ रहा है लास्ट का जो साउंड है, उन्हें एग्ज़ाम के लिए उदयपुर जाना पड़ रहा है। उन्हें मतलब दे, दे के साथ हम यूज़ करेंगे आर। जाएंगे पीछे की तरफ, पढ़ रहा है जो कि जुड़ा हुआ है जाने से, जाना मतलब गो, हैविंग टू गो कहाँ पे? उदयपुर। टू उदयपुर किसके लिए? एग्ज़ाम के लिए, फॉर एग्ज़ाम, फॉर एग्ज़ाम। सोनू को रात में काम करना पड़ रहा है, लास्ट का जो साउंड है पढ़ रहा है, काम करना हमारा वर्ब है, सोनू हमारा सब्जेक्ट है। तो बनाते हैं, सोनू मतलब सोनू, इसके साथ हम यूज़ करेंगे इज़। जाएंगे पीछे की तरफ, पढ़ रहा है मतलब हैविंग टू, काम करना मतलब वर्क, रात में मतलब एट नाइट।